वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। लेट्स सी आज मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, हमारे लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है। फ्रेंड्स, आई वाज आउट ऑफ टाउन फॉर 2 डेज, सो आई एम रियली सॉरी कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। दिस इज निफ्टी। निफ्टी इफ यू विल सी 2 मंथ साइडवेज, उसके बाद बुल रन, फिर 5 डेज हॉल्ट किया, अगेन बुल रन कंटिन्यू किया। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स अपडेट किए थे उसमें ये इंट्रा डे सेलिंग लेवल था, राइट, इंट्रा डे रेजिस्टेंस। इफ यू विल सी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल से हमको सेल का ट्रेड मिला, 2:1 का टारगेट। अगेन सेकंड टाइम भी एंट्री मिला, 3:1 का टारगेट। यहाँ पे भी देखो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ था वहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अगेन सेकंड टाइम ये रेजिस्टेंस से नीचे आके फिर ये प्राइस से सपोर्ट लेके आखिर में ये इंट्राडे रेजिस्टेंस 2 टाइम्स टेस्ट, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट टेस्ट करने के बाद ब्रेक कर दिया, राइट। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग ये रेजिस्टेंस को डिलीट कर देंगे चार्ट से क्योंकि प्राइस ने इसको वायोलेट कर लिया है। सो नाउ वी कैन से कि कल हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, ओके। 16,565 से लेके हम लोग बाय कर सकते हैं, 16,540 के नीचे विल बी द स्टॉप लॉस। ये कंप्लीट रेंज एक्चुअली में बाइंग रेंज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे और एक लेवल है रैली बेस्ड रैली, राइट। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे फ्रेंड्स, 16,565 के नीचे प्राइस जब आके 16,565 के ऊपर जब क्रॉस करेगी, राइट, सो पहले प्राइस ये जोन में आएगी 15,565 के नीचे, 16,550 के बाद सपोज रिवर्सल आता है, फिर जब 16,565 क्रॉस करेगी तब हम लोग मार्केट ऑर्डर से इमीडिएट बाय कर सकते हैं। एंड लेट से ये लेवल क्रॉस करती है 16,541, फिर हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं 16,535 से। स्टॉप लॉस विल बी 16,520 के नीचे, ओके। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डायरेक्टली निफ्टी के लिए 16,200 है अभी, ओके। लेट से अगर मार्केट फॉल होना स्टार्ट होता है सो नो नीड फॉर पैनिक, 16,200 पे सपोर्ट लेके अगेन वन साइडेड मूवमेंट आएगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कल मार्केट ओपन कहाँ होता है, लास्ट 10 मिनट्स का कैंडल देख के पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, ओके। सो विल सी, कल मैं टेलीग्राम पे लेवल्स अपडेट कर लूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे तो। सो आई थिंक निफ्टी इज क्लियर। नाउ बैंक निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड बुल रन टुमारो, ओके। एक बार सिर्फ बैंक निफ्टी 35,912 क्रॉस कर ले, जैसे ही मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा फ्लैट ओपन होके 35,910, 920 ऐसे थोड़ा सा 35,950 पे आके फिर से जब 35,760 पे आएगा तब हम लोग बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये, बहुत ही बेस्ट लेवल है बैंक निफ्टी। इजीली आप टारगेट रख सकते हो 36,400 का, ओके। सो 35,760 से लेके 36,200 तक का टारगेट है बैंक निफ्टी में। वन साइडेड अप मूवमेंट आ सकता है, 36,100 विल बी द फर्स्ट टारगेट, ओके। सो लेट से यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो 35,800 या 35,900, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इट विल बी बेटर बिकॉज कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, थर्सडे इज द ऑफ, सो टुमारो इज मार्केट एक्सपायरी 18th August वेनसडे को। सो विल सी फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी की वजह से क्या मूवमेंट हो सकता है। साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बुल रन दे चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम लोग कल बाय कर सकते हैं 16,565 निफ्टी तो मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी वी कैन बाय फ्रॉम 35,760, स्टॉप लॉस विल बी बिलो 35,690, ओके। सो दिस इज द रेंज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ लेट सी द स्टॉक्स। एशियन पेंट्स वी कैन बाय फ्रॉम 3,000 to 3,003, स्टॉप लॉस विल बी 2,995 के नीचे, ओके। सो दिस इज द लेवल, अगेन कन्फर्मेशन एंट्री विल बी बेटर, राइट। एच डी एफ सी बैंक, लेट सी HDFC बैंक, HDFC बैंक लेट से कल 1,502 के नीचे आता है, उसके बाद फिर से लेट से 1,502 के नीचे आके जब वापस से 1,502 क्रॉस करेगा, ओके। सो ये आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, मे बी 5 मिनट्स, 1,502 आके क्रॉस करेगा जब फिर से 1,502 तब हम लोग बाय करेंगे। इट मींस व्हाट,
लेट से 1502 आके थोड़ा सा 1500 पे सपोर्ट लेके जब 1502 फिर से क्रॉस करेगा तभी हमको बाय करना है। इट मींस कंफर्मेशन एंट्री लेना है राइट, बिकॉज कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाला है राइट। 1500 के आसपास आप बोल सकते हो बाय कर सकते हो, फिर 1497 के नीचे विल बी द स्टॉप लॉस। ITC ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप इजीली बाय कर सकते हो, काफी स्ट्रांग रह सकता है कल ITC, वन साइडेड मूवमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना है हमको क्योंकि स्टॉप लॉस इज वाइडर, डायरेक्टली बाइंग के लिए स्टॉप लॉस इज बिलो 206.5। ओके सो डायरेक्टली इसीलिए हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे विथ रूल्स बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस विल बी द लोअर वन राइट। स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड 210 के पहले एग्जिट होते हैं तो बेटर, 210.7 के पहले एग्जिट होते हैं तो बेटर। JSW स्टील अगेन, सो वी कैन बाय JSW स्टील टुमारो, वी कैन सेल। सो JSW स्टील यू कैन से 743 एंड 751.6 के बीच में हमको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो लेट से प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है 743 पे हम लोग बाय कर सकते हैं राइट। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी विल बी बेटर रादर देन सेलिंग राइट। सो 743 पे बाय कर सकते हैं, टारगेट 751, स्टॉप लॉस बिलो 740.5। LT, सो LT में भी अगेन यस वी कैन बाय टुमारो LT, इट विल बी द वेरी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट। अगर 1620 आता है तो 1620 आता है तो वन साइडेड अप मूवमेंट आएगा, 1068 के नीचे विल बी द स्टॉप लॉस। थोड़ा सा वाइडर स्टॉप लॉस है लेकिन टारगेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके 1652 के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा तो 1652 के पहले निकल सकते हो तो बेटर। रिलायंस अगेन इट्स अ बाइंग ट्रेड, रिलायंस कल आई एम एक्सपेक्टिंग अप मूवमेंट, सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप मूवमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली बाय कर लेंगे कहीं भी, क्योंकि स्टॉप लॉस विल बी वाइडर, स्टॉप लॉस आइडियली 2126 हो जाएगा। ओके सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है विथ रूल्स, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जैसे हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करते हैं वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर 18th August एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर जनरेट हो गए आई विल डेफिनेटली अपडेट दैट इन टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।